हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच थ्रू वर्ड्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आज बात करेंगे। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो टाइप्स देखे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उनको हमने उस वीडियो में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, थोड़ा सा ही डिस्क्राइब किया था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम उसको इनर्शियल फ्रेम को ही हम बहुत डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड्स। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पर जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो होल्ड होते हैं, वैलिड हैं वो लॉस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स हैज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। इसका क्या मतलब है कि अगर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो। ये हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाए ही ना, तो उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें कोई मोशन ही नहीं होगा। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो अनएक्सेलरेटेड होगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें चेंज ही नहीं होगा। तो अनएक्सेलरेटेड का मतलब यही है कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और मोशन में ही रहेगी उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में, जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं। तो ये जो होता है ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि जब फोर्स जो होगा एक्सटर्नल फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा इन एन इनर्शियल फ्रेम, यानी इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स होगा अगर वो कैसा है, जीरो है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा, जीरो होगा। और एक्सेलरेशन को हम फिजिक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है। अगर ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जीरो। और ये आर जो है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, यानी कि एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो ये भी हमारे कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर बात आती है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर इन ईच इनर्शियल फ्रेम हैज द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल इवेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे इन अदर वर्ड्स, द फ्रेम एस एंड एस डैश आर सेट टू बी इनर्शियल ओनली इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन बोथ द फ्रेम इज द सेम। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एक है हमारे पास एस और एक है एस डैश, इनर्शियल फ्रेम्स हैं, तो इनर्शियल फ्रेम में एक फ्रेम एस है और एस डैश में, तो ऑब्जर्वर अगर एस पर है और वो देख रहा है एस डैश, तो जो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट ऑब्जर्वर लेगा, उसका ऑब्जर्वेशन और जो एस डैश से एस पर जो ऑब्जर्वर, अब एस डैश से कोई ऑब्जर्वर अगर एस पर देख रहा है तो वो एक्सेलरेशन, यानी कि दोनों के जो ऑब्जर्वेशन होंगे ऑब्जर्वर के, वो सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन सेम होता है। ऑल दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विच आर आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर और आर इन यूनिफॉर्म मोशन आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ दीज फ्रेम इज इनर्शियल। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, या तो वो स्टेशनरी रिलेट करेंगे एक दूसरे के, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो किस टाइप के फ्रेम्स हैं, वो इनर्शियल फ्रेम है। और हमें गिवन हो कि उन दोनों में से कोई एक फ्रेम जो है वो कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम्स आर नेसेसरीली दी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स की ये कंडीशन है कि हमेशा जो दो फ्रेम्स होंगे तो जो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो अनएक्सेलरेटेड होगा, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो ये थी कुछ कंडीशंस इनर्शियल फ्रेम्स की,
कुछ पॉइंट्स इनर्शियल फ्रेम के. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट इनर्शियल फ्रेम्स आर नेसेसरीली द अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स. यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं उन दोनों फ्रेम्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो अनएक्सेलरेटेड होगा. या तो एक्सेलरेशन सेम होगा अगर मूविंग में है, और अगर रेस्ट पर है कोई बॉडी तो एक्सेलरेशन दोनों का जीरो होगा. कुछ पॉइंट्स और हम देख लेंगे जैसे कि इनर्शियल फ्रेम के बारे में. जैसे कंसीडर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर. यहां पर हमने फ्रेम्स लिए हैं, दो फ्रेम्स लिए हैं एस और एस डैश, और हम ये बोल रहे हैं कि या तो ये दोनों फ्रेम्स कैसे हैं, स्टेशनरी है, या फिर ये दोनों फ्रेम्स मूव हो रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. तब क्या होगा कि अगर इन दोनों फ्रेम्स के बाहर कोई बॉडी है, अ बॉडी विच इज स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम एस. अगर फ्रेम एस से कोई ऑब्जर्व करेगा किसी बॉडी को और वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि स्टेशनरी है बॉडी, तो एस डैश में भी जो ऑब्जर्व होगा वो भी यही ऑब्जर्व करेगा कि ये बॉडी जो है वो स्टेशनरी है. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फ्रेम एस में कोई ऑब्जर्वर है, वो एक बॉडी को देख रहा है कि वो मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फ्रेम एस डैश का भी ऑब्जर्वर यही बोलेगा. अ बॉडी विच इज स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम एस विल आइदर अपीयर टू बी स्टेशनरी और विल अपीयर टू बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी टू एन ऑब्जर्वर इन द फ्रेम एस डैश. और हम क्या बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ द फ्रेम्स विल बी जीरो. हाँ, कि जो बॉडी है वो उन दोनों फ्रेम्स के ऑब्जर्वर पर जो फोर्स लगा रही है वो भी कैसा होगा, जीरो, क्योंकि यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा. और एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम के लिए कि अ बॉडी इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन. जैसे कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव हो रही है और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, ए, और उसका रिलेशन हम किससे देख रहे हैं, फ्रेम एस से रिलेशन हम देख रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वर फ्रेम एस से देखेगा तो फ्रेम एस का भी जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, ए ही होगा. इसी तरीके से द बॉडी विल हैव द सेम एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर इन द फ्रेम एस डैश. मतलब एस डैश से जो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ए होगा, एस से एक्सेलरेशन ए होगा, तो एस डैश से भी कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, ए ही होगा. ये थी कुछ कंडीशंस इनर्शियल फ्रेम के बारे में. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली कि एस इज एन इनर्शियल फ्रेम. यहां पर हमने हमारी जो कंडीशन हमने देखी थी पहले कि जो दो फ्रेम्स लेंगे हम, तो उन दोनों फ्रेम्स को हमें ये चेक करना है कि दोनों फ्रेम्स जो होंगे वो अनएक्सेलरेटेड होंगे. तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो दोनों में से कोई एक फ्रेम हमको इनर्शियल फ्रेम लेना पड़ेगा. तो S इज एन इनर्शियल फ्रेम, हमने यहाँ पर S को इनर्शियल फ्रेम लिया है, और जो दूसरा है फ्रेम S डैश वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी V रिलेटिव टू S. S इज एन इनर्शियल फ्रेम एंड अनदर फ्रेम S डैश इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी V रिलेटिव टू S. इनिशियली अब ये तो थी हमारी कंडीशन कि हमने ये ले लिया कि इनर्शियल फ्रेम जो है वो S है, दो फ्रेम लिए हमने S और S डैश, तो S जो हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम हो गया, और जो दूसरा फ्रेम हो गया वो हो गया S डैश, वो मूव हो रहा है किसके रिलेशन में, S के रिलेटिव मूव हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है V. अब हमारी फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि जब हमने देखा कि दोनों फ्रेम्स जो हैं किसी टाइम जीरो पर, टाइम हमने ले लिया जीरो, तब जो उनके दोनों फ्रेम के ओरिजिन जो है वो कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है कोई ओरिजिन एट एन इंस्टेंट. टाइम अब हमने टी ही ले लिया, टी इज इक्वल्स टू टी भी लिख सकते हैं हम यहाँ. तो टाइम अगर जीरो ले रहे हैं तो दोनों फ्रेम्स की जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड होंगे, लेकिन कोई हमने टाइम लिया है टी, तब जो पोजीशंस होंगी वो अलग अलग होंगी दोनों फ्रेम्स की. जो पोजीशन है एस के लिए हमने यहां पर ली है आर,
और एस डैश फ्रेम के लिए हमने हमारी जो पोजीशन है वो है आर डैश ऑफ पार्टिकल. ये पोजीशन जो हमने ली है पार्टिकल के लिए ली है, और पार्टिकल हमारा यहां पर हमने लिया है पी इन द फ्रेम एस एस एंड एस डैश आर रिलेटेड एस. तो ये जो फ्रेम एस डैश का जो पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल का रिलेशन होगा वो किस टाइप से होगा, आर डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस वी टी. तो ये हमें पहले हम ये देखते हैं कि ये आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी किस तरीके से. तो हमने इसके लिए एक डायग्राम बना लिया है. ये है हमारा फ्रेम एस जहां पर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस लिया है और ओरिजिन है हमारा O, और ये वाला जो है हमारा s डैश का फ्रेम है जहां पर ओरिजिन जो है वो है O डैश x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस और z डैश एक्सिस हमने ले ली. तो जो पोजीशन होगी वो है r, अगर ऑब्जर्वर देख रहा है O से तो ये उसकी पोजीशन हो गई R, और यहाँ O डैश से अगर कोई देख रहा है ऑब्जर्वर पॉइंट P पर पार्टिकल P को, तो R डैश जो है उसकी पोजीशन होगी. तो यहां से हमें एक वेक्टर ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल O O डैश P का. ये O O डैश P का एक ट्राइंगल मिल रहा है, एक वेक्टर ट्राइंगल मिल रहा है. तो जो वेक्टर ट्रायंगल होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश वेक्टर प्लस वेक्टर ओ डैश पी. इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वेक्टर OP इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि OP जो है वो क्या है, R. तो ये हो गया हमारा OP जो है वो हो गया R इज इक्वल टू, और ये जो हमारा ओ ओ डैश है, ये ओ जो ओ ओ डैश है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस. और डिस्टेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम. तो ये हमने लिख लिया स्पीड इंटू टाइम प्लस, और ओ डैश पी हमारा क्या है, आर डैश. तो ये लिख लिया हमने आर डैश, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी. अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो इससे तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी. ये फ्रेम एस डैश के लिए ले रहे हैं हम, तो एस डैश की वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी से. तो यहां से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया डी बाई डी टी आर डैश इज इक्वल टू, यहां पर हो गया डी बाई डी टी आर माइनस, यहां से टी चला जाएगा डिफरेंशिएशन में, वन मिलेगा तो यहां से हमें मिलेगा वी. एंड एक्सेलरेशन विल बी, और जो एक्सेलरेशन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका हम वापस से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तब हमें मिलेगा डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाय डी टी, और ये चीज हमारी होती है एक्सेलरेशन फॉर किसके लिए हो जाएगा, ये ए डैश के लिए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम एस डैश के लिए, और ये हो गया एक्सेलरेशन फ्रॉम एस इन दी फ्रेम एस. तो ये जो हमने देखा लास्ट में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, सेम है, इक्वल है. तो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, अनएक्सेलरेटेड होगा. Hence, a particle experience the same acceleration in the frame S and S dash. तो इसका question इस तरीके से भी आ सकता है कि prove that how the frames possesses the same acceleration. तो ये आज की हमारी video यहीं खत्म होती है, और अगर आपको ये video अच्छी लगी तो please comment, like, share and also subscribe. Thanks for watching.